आज मैं शलजम की सब्जी बना रही हूँ। सबसे पहले मैं ये शलजम को कट कर दूंगी। इसको पहले दोनों साइड से कट कर देंगे। अब इससे छील देंगे इसको। ये जाड़े में ही मिलता है, ये खाने में अच्छा लगता है और इसके बेनिफिट भी बहुत है। इसमें कैल्शियम भी बहुत होता है। इसी तरह सबको छील देंगे। सब छील गए हैं, अब इसको छोटे छोटे कट कर देंगे इस तरह से। ये शलजम को हम लोग ठंड में सुखा के रख देते हैं, ये गर्मियों में भी बनाते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें दिखाया था कि कैसे सुखाते हैं और फिर उसको गर्मियों में खाते हैं। इसी तरह सबको छोटे छोटे कट कर देंगे। देखिए सब कट हो गए हैं, अब इसको वॉश कर दूंगी अच्छे से। अब मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है। सबसे पहले इसमें थोड़ा सरसों तेल डालूंगी, आधी कलछुन। इसको गर्म होने दूंगी। तेल गर्म हो गया है, ये एक प्याज को मैंने छोटा छोटा कट कर दिया है, इसको डाल देंगे। प्याज को थोड़ा सा पिंक कर देंगे, पिंक या थोड़ा हल्का लाइट, बस इसका कच्चापन जैसे खत्म हो जाए। ज़्यादा लाल नहीं करना है, नहीं तो सब्जी फिर काली काली लगेगी। देखिए 2-3 मिनट हो गए हैं, अब इसमें मैं आधी इंच अदरक को कट कर दिया छोटा छोटा, इसको डाल देंगे। एक हरी मिर्ची है छोटी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें मैं हल्दी डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची और धनिया पाउडर, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला मिक्स हो गया। अब मैं इसमें एक ये टमाटर कट करके रखा है, इसको भी डाल दूंगी। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। टमाटर भी भून गया है। अब ये शलजम को मैंने कट करके रखा था, इसको डाल दूंगी। ये हरी लहसुन है, ये ज़रूर डालते हैं, इसके बिना तो फिर टेस्ट नहीं आती है। अगर हरी लहसुन नहीं मिलती है तो हम लोग ये सब्जी नहीं बनाते हैं। जब हरी लहसुन मिलती है तभी बनाते हैं, क्योंकि इसी से इसकी टेस्ट अच्छी आती है। अब ये नमक डाल देंगे। अब इसको अच्छे से भून देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा भून देंगे। दो मिनट हो गए भूनते हुए, अब लगभग भून गया है शलजम, अच्छे से भून गया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी, ज़्यादा नहीं। अब मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और फुल फ्लेम पे पहले इसको एक सीटी आने देंगे, फिर 5 मिनट लो फ्लेम पे रख देंगे। एक सीटी लग गई, इसके बाद 5 मिनट मैंने गैस पे रखा था लो फ्लेम पे। अब मैं इसकी फ्लेम को बंद कर रही हूँ। अब कुकर की हवा निकल गई है, अब इसका ढक्कन खोल के देखूँगी। सब्जी बन गई है, थोड़ा सा पानी लग रहा है, इसको मैं थोड़ा सुखा दूँगी। इसको इससे थोड़ा सा मैश कर देंगे हल्का, जैसे सब्जी इसमें लटपट हो जाए, मिक्स हो जाए, तब वो खाने में अच्छी लगती है।
इसी तरह थोड़ा सा मैश कर लेंगे, पानी भी सूख जाएगा और सब्जी भी मिक्स हो जाएगी। देखिए सब्जी बन गई। और अगर कभी कभी क्या होता है कि शलजम की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है तो वो जल्दी नहीं गलते हैं, अगर आप देखेंगे नहीं गले हैं तो थोड़ी देर और फिर कुक कर दीजिएगा, 5 मिनट और, तो फिर वो गल जाते हैं। अब मैं गैस की फ्लेम को बंद कर रही हूँ। देखिए सब्जी बन गई है, कितनी अच्छी लग रही है। आप लोग भी बनाइए और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए प्लीज़ कैसी बनी। धन्यवाद।